हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 8 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है गणित और डेट है इसकी 20 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। तो आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है अपनी संख्याओं की जानकारी, सन्निकटन, सन्निकटन योग की समझ। तो आपको इसमें सन्निकटन जो हम लास्ट वर्कशीट में पढ़ चुके हैं उसको ही हम आगे पढ़ेंगे। देखते हैं इसमें हम श्रीमती देवसेना रुपीज 2000 रुपये में अपने बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए बाजार जाती है। दो उपहार जो उन्हें पसंद आए उनकी कीमत 1175 और 449 रुपये है। क्या आप समझते हैं कि श्रीमती देवसेना के पास इन दो उपहारों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है? तो इसमें हमें क्या दिया गया कि जो देवसेना है वो 2000 रुपये लेके मार्केट में जाती है और उसको दो गिफ्ट पसंद आते हैं 1175 और 449 रुपये के। तो हमें अनुमान लगाना है कि क्या उसके पास इतने पैसे हैं कि वो ये दोनों गिफ्ट को खरीद पाए। तो देखते हैं इसमें, तो अमरेंद्र और कटप्पा हमें दिया गया है को निम्नलिखित तरीकों से कुल लागत का अनुमान लगाने की कोशिश की। तो यहाँ पे अमरेंद्र कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे कटप्पा कोशिश कर रहे हैं। अमरेंद्र ने क्या किया, पहले जो है सैकड़े में आंकलन किया और इसने क्या किया, हजार में आंकलन किया। तो पहले उपहार 1175 का निकटतम सैकड़े में आंकलन, तो सैकड़े के लिए हम क्या देखेंगे, इसकी इकाई ढाई सैकड़ा। सैकड़े में हमारे पास 1 है तो पीछे डिजिट क्या 7 है, 5 से बड़ी है तो दोनों 0 हो जाएंगे, आ गया प्लस 1 हो जाएगा, इट मीन्स क्या गया 1200 मतलब 1200 रुपये। और दूसरे उपहार 449 रुपये का निकटतम सैकड़े में आंकलन, इकाई ढाई सैकड़ा। सैकड़े में हमारे पास 4 है और पीछे भी क्या 4 है, लेकिन ये 5 से छोटा तो दोनों 0 हो जाएंगे, इट मीन्स हमारे पास कितना आएगा 400 आंसर आएगा इसका। अगर हम दोनों प्लस करेंगे हमारे पास कितना आएगा 1600 आएगा। अनुमानित लागत किन दोनों उपहार को, तो उसको लगता है कि 1600 रुपये में दोनों चीज आ जाएंगी। तो वैसे कटप्पा ने क्या किया, हजार में किया, तो 1175 का अगर हम हजार में अनुमान लगाएंगे तो कितना आएगा, इकाई ढाई सैकड़ा हजार। हजार में हमारे पास 1 है, पीछे क्या 1 है, तो ये तीनों 0 हो जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। वैसे अगर हम 449 का लगाए तो 449 में हमारे पास हजार है ही नहीं, तो इट मीन्स ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमारे पास प्लस करने पे कितना 1000। तो आगे हम देखते हैं क्या कहा इसने, क्या आप अमरेंद्र द्वारा किए गए निकटतम सैकड़े में आंकलन करेंगे या फिर कटप्पा द्वारा किए गए निकटतम हजार में आंकलन करेंगे? तो ये पूछ रहे हैं क्या आप आंकलन सैकड़े में करेंगे या फिर हजार में करेंगे। तो इसके लिए हम निष्कर्ष पढ़ते क्या क्या है, अनुमान उचित और तार्किक होना चाहिए, कोई कठोर नियम नहीं है लेकिन सटीकता की आवश्यकता पर निर्भर करता है, आंकलन की कितनी जल्दी जरूरत है ये भी डिपेंड करता है। तो जो इसने कहा ना उचित और तार्किक होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो हमारे पास गिफ्ट थे वो 1175 और 449 रुपये के थे, तो यहाँ पे जो हमारी टोटल कॉस्ट आ रही दोनों प्लस करने पे वो हजार आ रही, मतलब जो एक गिफ्ट की वैल्यू थी 1175, जो अनुमान हमने लगाया वो एक गिफ्ट से भी कम पड़ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा जो आंकलन है गलत है, तो ये ऐसा कोई आंकलन नहीं होना चाहिए, मतलब जो आसपास होना चाहिए और तार्किक होना चाहिए, मतलब उससे रिलेट होना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या 1600 रुपये, तो हम मान सकते हैं कि ये थोड़ा लॉजिकल है, तार्किक है, क्योंकि 1175 में अगर हम कुछ प्लस करेंगे तो ये 1600 रुपये हो सकता है, ना कि हजार तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही हमें आगे पढ़ना है, इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अमरिंदर द्वारा किया गया आंकलन अधिक स्टिक अनुमान है, क्योंकि यह अधिक उचित और अधिक तार्किक है, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। तो आगे हम देखते हैं योग का अनुमान लगाना, फिर हम देखेंगे अंतर का अनुमान लगाना। तो यहाँ पे आपको प्लस करना है मतलब योग करना है, तो इसमें हम देखते हैं, तो इसमें हमारे पास मिनिमम डिजिट कितनी है 4, इसमें 5 है, तो मिनिमम को लेके चलते हैं हम, तो मिनिमम कितने की इकाई ढाई सैकड़ा हजार, तो इसमें हम हजार में आंकलन करेंगे। तो इसका हमने हजार में आंकलन करेंगे तो हम देखते हैं हजार में हमारे पास क्या, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, एक हजार पे हमारे पास 8 है और पीछे क्या वो भी 8 है, ये 5 से बड़ा है तो तीनों डिजिट 0 हो जाएंगे और आगे हमारे पास प्लस 1 हो जाएगा, इट मीन्स 19000 आ जाएगा। वैसे 4201 इकाई ढाई सैकड़ा हजार, हजार में हमारे पास 4 है, पीछे क्या 2 है, 5 से छोटा है तो सिंपली तीनों 0 हो जाएंगी, 4000 आ गया, प्लस किया हमने 23000 हमारे पास अनुमानित योग आ गया। तो वैसे हम सेकेंड क्वेश्चन करके देखते हैं, 429 प्लस 8691, तो इसमें मिनिमम डिजिट हमारे पास 3 है, तो इसमें हम सैकड़े में आंकलन करेंगे, तो 429 का सैकड़े में आंकलन, 429 इकाई ढाई सैकड़ा, सैकड़े में हमारे पास 4 है, पीछे से 2 है तो 5 से छोटा है तो दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, आंसर कितना है 400।
नेक्स्ट हमारे पास 8691 इकाई ढाई सैकड़ा, सैकड़े पे 6 से पीछे क्या 9, 5 से बड़ा, तो दोनों जीरो हो जाएंगे और आगे एक हम प्लस कर देंगे, कितना आएगा 8700। प्लस करने पे हमारे पास आया 9100 अनुमानित योग आ गया आपके पास। ठीक है बच्चों, जो भी डिजिट कम से कम होती है वही हम लेके चलते हैं। सैकड़े में आंकलन किया इसका, इसका हमने हजार में आंकलन किया। तो आगे हम देखते हैं अंतर का अनुमान लगाना। अनुमान लगाइए 9876 माइनस 6789, तो इसमें हम माइनस करना है, तो इसमें चारों दोनों में डिजिट सेम है, तो इसमें हम हजार में आंकलन करेंगे। तो 9876 इकाई ढाई सैकड़ा हजार, हजार पे हमारे पास 9 है, पीछे क्या है 8, 5 से बड़ा है, तीनों जीरो कर देंगे और आगे हम प्लस 1 कर देंगे। इट मीन्स 9 + 1 = 10, तीनों जीरो 10,000 आ गया इसका। और 6789 में हजार पे हमारे पास 6 है, पीछे 7 है, 5 से बड़ा है, तो ये भी क्या तीनों जीरो जाएंगे और आगे प्लस 1 हो जाएगा, इट मीन्स 7,000। दोनों माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 3,000, ये आ गया हमारे पास अनुमानित अंतर। तो ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अनुमान लगाइए 19476 माइनस 10241, तो इसमें इसने सैकड़े का आंकलन किया है, तो इसमें हम देखते हैं तो 90476 इकाई ढाई सैकड़ा, सैकड़े में हमारे पास 4 है और इसके पीछे क्या 7 है, तो इट मीन्स ये 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या दोनों जीरो जाएंगे आगे प्लस 1 हो जाएगा, 90500 आ गया इसका। और 10241 इसमें हमारे पास सैकड़े पे 2 है और पीछे क्या 4, 5 से छोटा है, तो सिंपली दोनों जीरो हो जाएंगी, तो 10200 ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, 005 - 23, 009 - 1 8, तो ये हमारे पास अनुमानित अंतर आ गया। इसने इसमें सैकड़े में किया है, आप इसको हजार में भी कर सकते हैं, लेकिन जो सैकड़े में इसकी वैल्यू आएगी ज़्यादा एक्यूरेट आएगी, क्योंकि इसमें क्या हमारे पास हजार पे क्या दोनों की वैल्यू जीरो है, तो इसमें इसने क्या किया 4 और 2 6 कंपेरिजन कर दिया। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं, आओ करें। अब हमें कुछ एक्सरसाइज खुद से करनी है, अनुमानित योग करना है और अनुमानित अंतर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 841 + 181, तो इसमें देखते हैं 841 + 181, तो इसमें हमारे पास कितना आएगा, तो इसमें हमारे पास इकाई ढाई सैकड़ा, इकाई ढाई सैकड़ा, तो इसमें हम सैकड़े में आंकलन करेंगे इसका, ना कि हजार में। ठीक है, तो सैकड़े में इकाई ढाई सैकड़ा, सैकड़े में हमारे पास वैल्यू कितनी 8, तो पीछे कितना 5 से छोटा है, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगी, तो हमारे पास 841 का निकटतम आंकलन कितना आएगा 800। वैसे 181 में हमारे पास सैकड़े पे क्या 1, तो पीछे क्या 8, 5 से बड़ा है, दोनों जीरो हो जाएंगे और आगे प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 200 आ गया। अभी हमें इन दोनों क्या करना है, सम करना है, मतलब जमा करना है इन दोनों को, हमारे पास आंसर आएगा 1000, इसका अनुमानित योग आ गया। तो आप यहाँ पे लिखिए अनुमानित योग, अनुमानित योग। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 2400 + 6891, तो इसमें दोनों में 4 डिजिट है, तो इसमें हम हजार में आंकलन कर सकते हैं। तो हजार में आंकलन के लिए के हम देखेंगे, हजार में हमारे पास डिजिट क्या 2400 में, इसमें हमारे पास हजार पे क्या प्लेस क्या है इकाई ढाई सैकड़ा हजार, हजार पे 2 है, पीछे क्या 4 है, 5 से छोटा है, तो तीनों क्या हो जाएंगे जीरो, 2000 आ गया हमारे पास। वैसे 6891 हजार पे हमारे पास 6 है, पीछे 8 है, 5 से बड़ा है, तो तीनों जीरो प्लस 1 आगे हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 7000। अब हमें इन दोनों क्या करना है प्लस, तो हमारे पास आंसर आएगा 9000, ये आपका आ गया अनुमानित योग। ठीक है बच्चों, अनुमानित योग, आपको ये हर क्वेश्चन में अपने आप लिखना अनुमानित योग। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं बार बार इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं रूल बार बार आपको बता रही हूँ। 9875 + 5478, तो 9875 दोनों में सेम डिजिट है, तो इसलिए हम इसमें हजार में आंकलन कर सकते हैं। हजार में इसमें हमारे पास क्या इकाई ढाई सैकड़ा हजार, हजार में 9 है, पीछे 8 है, तो ये तीनों जीरो कर देंगे, यहाँ पे प्लस 1 कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 10,000। और 5478 हजार पे हमारे पास है 5 और पीछे क्या 4, 5 से छोटा, तो तीनों जीरो हो जाएंगे, ये सेम टू सेम रहेगा, ये कितना आ गया 5000। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको प्लस करना है, प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 15,000 आ गया, इसका अनुमानित योग आ गया। ठीक है बच्चों, तो आगे हमें निकालना है इनका अंतर, निकालना है अनुमानित अंतर ज्ञात करना है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8299 माइनस 5000, तो इसको दोनों में क्या डिजिट सेम है, 4 डिजिट है, तो इसमें हम हजार में आंकलन कर सकते हैं। हजार में आंकलन करने के लिए हमने देखा 8299, हजार में हमारे पास क्या है 8, पीछे क्या 2, 5 से छोटा, तो तीनों जीरो हो जाएंगी, 8000 आ गया हमारे पास। वैसे 5000 में 5 है पीछे आगे और पीछे तीनों जीरो, तो इट मीन्स इसमें कोई चीज नहीं होगा, 5000 एज इट इज आ गया।
तो दोनों को हम माइनस करेंगे क्योंकि इसमें अंतर बताना हमें 8000 माइनस 5000 हमारे पास आ गया 3000 इसका अनुमानित अंतर आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है बच्चों अनुमानित अंतर? बहुत इजी लग रहा होगा अब तो आपको बहुत अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9999 माइनस 5421 इन दोनों को हमें माइनस करना है, तो इसको हमें चार डिजिट, इसमें भी चार डिजिट, तो हम हजार में अंकलन कर सकते हैं। तो इसका अनुमानित क्या आएगा, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, हजार पे हमारे पास 9 है और इसके पीछे भी क्या 95 से बड़ा है, तो तीनों जीरो हो जाएंगे, आगे प्लस 1 हो जाएगा, इट मीन्स 9 प्लस 1 10000। वैसे 5421 हजार पे हमारे पास है 5, पीछे 4 है, 5 से छोटा है, तो इट मीन्स तीनों जीरो हो जाएंगे और 5 हमारा एज इट इज रहेगा, तो ये कितना है 5000। अब इन दोनों को अगर माइनस करेंगे या डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा 5000 आ गया इसका अनुमानित अंतर, ये आपका अनुमानित अंतर आ गया। ठीक है बच्चों, तो अनुमानित आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 2541 माइनस 524, तो इसमें हमारे पास चार डिजिट, इसमें हमारे पास तीन डिजिट है, तो जो कम होती है इकाई ढाई सैकड़ा, तो इसको हम सैकड़े में आकलन करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको हजार में ना करके हम सैकड़े में करेंगे, जो मिनिमम होती है उसी के हिसाब से हम इसको लेते हैं। तो निकटतम सैकड़े में आंकलन, तो 2541 में हमारे पास सैकड़े पे क्या है इकाई ढाई सैकड़े, सैकड़े पे हमारे पास क्या 5 और पीछे क्या 4, ये 5 से छोटा है, तो इसको दोनों को जीरो कर देंगे और ये एज इट इज 2500 रहेगा, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये 524, तो इसमें क्या हमारे पास सैकड़े पे इकाई ढाई सैकड़े, सैकड़े पे क्या 5, ये 2 से, ये 5 से छोटा है, तो दोनों जीरो हो जाएंगी, तो हमारे पास ये 500, तो इसका हमारे पास आ गया 500 और इसका आ गया हमारे पास 2500। अब हमें क्या क्या निकालना है अंतर, अंतर मतलब हमें इनको माइनस करना है, 0005 माइनस 50, ये हमारे पास 2000 इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, तीन क्वेश्चन अंतर के थे, तीन क्वेश्चन हमारे पास सम के थे, तो तीनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मैक्सिमम, ताकि वो भी इस वर्कशीट के, इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर पाए, और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषि कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।